हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स उसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट डिनोट्स अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। मीन्स अक्षरों का वह समूह जिससे हमें कुछ अर्थ निकले, कुछ उसका मीनिंग निकले, उसे हम वर्ड कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं। देखिए, वर्ड्स भी दो तरह के होते हैं, स्पोकन वर्ड्स या फिर रिटन वर्ड्स। ठीक है, तो स्पोकन वर्ड्स आर मेड ऑफ साउंड्स। ओके, स्पोकन वर्ड्स जो है वो साउंड से बने होते हैं और रिटन वर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स। ओके, तो रिटन वर्ड्स में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं जो कि हम लेटर्स लिखते हैं, और स्पोकन वर्ड्स में साउंड की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, बोलते हैं जो हम बोलते हैं वो हो गया हमारा स्पोकन वर्ड, लेकिन उसमें भी हमारा मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तो वो हमारा स्पोकन वर्ड्स हो जाएगा। और रिटन वर्ड्स में भी हमारा मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो रिटन वर्ड्स कहलाएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं वर्ड्स को। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा एस और कुछ दूरी पर है यू और फिर उसके बाद है एन। तो ये क्या वर्ड हो सकता है? ये वर्ड नहीं हो सकता है क्योंकि ये ग्रुप में नहीं दिख रहा है। ये हमारा बस कुछ कुछ दूरी पर लिख दिया गया है, एस यू एन। ठीक है, लेकिन अब जब हम यहाँ देखते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ है एस यू एन सन। अब देखिए, ये हमारा एक साथ ही ग्रुप में है। ठीक है, ग्रुप में है, सन मतलब सूरज होता है, मीनिंग भी हमारा निकल रहा है। तो जब लेटर्स ग्रुप में होते हैं, एक साथ होते हैं, तो हम उसे ही वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा वर्ड कहलाता है। अब देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी वर्ड्स नहीं कहलाएगा, हालाँकि ये दूर दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ड्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि यहाँ कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये अलग अलग हो चुके हैं। तो जब हमारा ग्रुप में हो, एक साथ हो, कोमा ये सब कुछ ना लगा हो, मीनिंग निकलता हो, तो वर्ड कहलाता है। जैसे ये हमारा NET, नेट, नेट का मीनिंग निकल रहा है, नेट होता है, तो ये हमारा वर्ड कहलाएगा। ओके, अब इसे कुछ अलग ढंग से देखते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, TERG लिखा है हमारा, तो क्या इसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ निकलता है? ये बस इसी तरह अल्फ़ाबेट लिख दिया गया है ना। पर अब यहाँ देखिए, TIGER, टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। अब यहाँ पर तो हम समझ रहे हैं कि टाइगर है ये और टाइगर मीन्स बाघ है, यानी हमारा टाइगर क्या हो गया, ये वर्ड हो गया, इसका मतलब टाइगर वर्ड सही है। उसी तरह अब आप यहाँ देखिए, ये है NGMAO, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये बस यूं ही इसी तरह लिख दिया गया है। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। और अब यहाँ देखिए, MANGO, मैंगो है लेटर वही, पर उसे अब हमने ऑर्डर में लिख दिया है, जिस तरह से मैंगो का स्पेलिंग होता है वैसा लिख दिया है, तो हमारा मैंगो वर्ड हो गया, MANGO, मैंगो। लेकिन यहाँ ये भी हम देख सकते हैं कि जो हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, ऊपर में, तो उसे हम जंबल वर्ड भी कहते हैं, कि लेटर वही होते हैं लेकिन इधर उधर जब हमने रख दिया तो वो हमारे जंबल वर्ड कहलाते हैं, जिसमें बच्चों को दिया जाता है कि ये जंबल वर्ड हैं, जो आप उन्हें अच्छे तरीके से लिखिए, जिसका कुछ मीनिंग निकले आपको वो लिखना है, तो ये जंबल वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ किसकी फ़ोटो लगी हुई है, तो की फ़ोटो है, चाबी की फ़ोटो है, और स्पेलिंग क्या लिखी है, तो YKE। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सही से स्पेलिंग इसकी क्या हो जाएगी, ये तो YKE यानी कि जंबल वर्ड्स में ये लिखी हुई है, तो इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी KEY की। ठीक है, अब देखिए, यहाँ स्पेलिंग है SPIH और फोटो किसकी लगी है बताइए, तो सिप की लगी है, तो SPIH स्पेलिंग है, तो इसकी सही स्पेलिंग होगी SHIP, बिल्कुल सही, SHIP, सिप। अब देखिए, यहाँ है हमारा FORG
और फ़ोटो लगी है किसकी, तो फ्रॉक की। तो फ्रॉक की स्पेलिंग यहाँ लिखी है FORG, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी, FROG, फ्रॉक। फ्रॉक मीन्स मेढक। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए स्पेलिंग है CHIR और फ़ोटो किसकी लगी है बताइए, तो चेयर की यानी कि कुर्सी की। तो इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी CHIR, तो हमारा जंबल वर्ड्स में इसकी सही स्पेलिंग होगी CHAIR, चेयर। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने वर्ड्स को अच्छे से समझ लिया होगा कि वर्ड्स क्या होते हैं और जंबल वर्ड्स भी क्या होते हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, तो फिर मैं अगली वीडियो इसी तरह कुछ लाऊंगी आप लोगों की पढ़ाई से रिलेटेड या फिर ड्राइंग से रिलेटेड भी हो सकती है। ओके, वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन दिया हुआ है उसे आपको प्रेस करना है। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।